अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शायद मैं इस बात से सहमत होंगे कि जब बालाकोट में हमला हुआ, आतंकी मारे गए, तो कुछ भाजपाई और कुछ मीडिया भी ये कहती थी कि इसमें मसूद अजहर भी मारा गया। पता नहीं कैसे जिंदा हो गए और कैसे राष्ट्रीय आतंकवादी जाहिर हो गए। अच्छी बात है, उसको राष्ट्रीय आतंकवादी जब घोषित कर दिया, उसको मार देना चाहिए। यही बीजेपी थी जो हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी ने जब उसको पकड़ा, तो यही भाजपा थी जो उनको छोड़ने गई थी। हम तो चाहते हैं कि इसको फांसी की सजा मिले, इसको मार दिया जाए और हिंदुस्तान में कभी आतंकवाद आए भी नहीं, नक्सलवाद भी ना आए। भाजपा अगर 5 साल में इतनी ईमानदार और इतनी राष्ट्रवादी पार्टी थी, तो फिर परसों महाराष्ट्र में हुए हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए, उसके बारे में 1 मिनट की श्रद्धांजलि की भी बात क्यों नहीं हुई। कांग्रेस को देश से बहुत बड़ा खतरा है, योगी जी ने बोला है जयपुर में, वहाँ पे हनुमानगढ़ जिला है, उन्होंने कहा है कि खतरा है और उनके 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 सुशासन उनके कुशासन के दौरान 270 जिले से प्रभावित हुए, जहाँ नक्सली अलगाववादी और आतंकवादी को बढ़ावा मिला। शायद आप ये भूल गए कि सबसे बड़ा दुख का आज कारण उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। महिलाओं पर बलात्कार की घटना होती है, पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की जाती है। इन सारे सवालों पर योगी आदित्यनाथ पहले जवाब दे। और हमारे गुजरात में कहावत है, सन्यासी का मतलब होता है भगवान की पूजा, सन्यासी का मतलब मोदी की पूजा नहीं होती। आज इतने सालों बाद योगी मोदी जी ने राजस्थान में कहा है कि अगर सरकार आती है तो हम हर गांव हर घर पानी पहुंचाएंगे, हर खेत पानी पहुंचाएंगे, पानी के लिए अलग से मंत्रालय बनाएंगे। अभी तक ऐसी कोई योजना क्यों नहीं लागू? 5 साल क्या मंजीरा बजा रहे थे? क्या बजा रहे थे? मंजीरा डमरू। 5 साल में क्या किया, कितना गांव पानी पहुंचाया, उसका जवाब दीजिए ना। मायावती कल आई थी, कल मायावती आई थी गोंडा में, उन्होंने कहा कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उन्होंने बोला बहुत करारा प्रहार था। आपका क्या कहना है? कौन कौन? मायावती ने, मायावती ने कहा है कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती जी भूल गए कि उन्होंने जो अपनी गठबंधन की सरकार भाजपा के साथ ही बनाई थी। भारती की योगी जी ने कहा कि आतंकी जब मारे जाते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। पता नहीं, योगी जी सब कुछ कहते हैं, कभी हमारे भी सुने, क्योंकि हमने आतंकवादी को मार गिराया, कसाब को फांसी की सजा भी हम लोगों ने दी। देखो योगी जी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। योगी जी पहले 2 साल आपकी सरकार हो चुकी है, यहाँ क्या क्या किया यहाँ की जनता के लिए, उसका हिसाब लोगों को दीजिए। आतंकवादी की बात छोड़िए, क्योंकि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्ति इस देश में कांग्रेस के अलावा किसी के पास नहीं। चौकीदार बताया जाता है कि चौकीदार है मोदी जी कहते हैं, आप लोगों ने उनको चोर बता दिया। आप गुजरात से ही आते हैं क्या? आप जब आपके जो ये जो आपने जो आपकी जो अभियान रहा उसके दरमियान जो हिंसाएं हैं उसमें 33,000 करोड़ का हिंसा हुआ और क्षति हुई, तो क्या अपने आप को आप कर्जदार समझते हैं इस देश का या गुजरात का? क्या बात है सर, राम मंदिर के वक्त, बाबरी मस्जिद के वक्त जब आडवाणी पूरे देश में रथ लेकर निकले थे और हिंसा का माहौल हुआ था, जब हिंसाएं हुई और इतना करोड़ों का खर्चा हुआ, तो मोदी और आडवाणी जी आप इसके कर्जदार नहीं? पटेल आरक्षण की बात करते हैं, मानते हैं? पहले आप बता रहे हैं ना, हम क्यों माने? पहले आप मोदी को सवाल कीजिए, आडवाणी को सवाल कीजिए, सवाल उससे भी करने की हिम्मत रखिए अगर हमसे करते हैं। पटेल आरक्षण की बात करते हैं कि कांग्रेस जिनके पास विपक्ष का नेता नहीं है, राहुल गांधी पे इशारा करते हुए कहा कि वो आज पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। अच्छा, हमारे वहाँ एक कहावत है कि 1984 में भी बीजेपी 2 पर ही थी, आज ही 2 पर ही है। वो कैसे कहना क्या चाहते हैं, खुल के बताइए ना, कहावत से आप पूरी वो कैसे? अरे हमें तो ऐसा था, यूपी वाला कहावत जल्द समझ लेते हैं। नहीं नहीं, गुजरात वाले एक्सप्लेन अच्छा करते हैं।